तो हेलो और नमस्कार दोस्तों। तो मेरा नाम आशीष चावरिया और आप देख रहे हैं आपको अपना फेवरेट चैनल टेक्निकल आशीष। तो दोस्तों फाइनली हमने मंगवा लिया है एक बोया M1 का माइक जो कि हमने अमेजोन से मंगवाया है। तो आज करने वाले हैं हम इसकी अनबॉक्सिंग। तो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो ही शुरू करते हैं। तो दोस्तों फाइनली ये आता है हमारा बोया M1 का माइक और इसी के साथ एक मिलता है बिल जिसमें यहाँ पे मेरा घर का एड्रेस मेंशन है और साथ में जो इसका टैक्स वगैरह लगता है और प्राइस है इसका जो भी यहाँ पे सारा कुछ डिटेल मेंशन की हुई है, आप पोस्ट करके देख सकते हैं। तो इसको रखते हैं हम साइड में और देखते हैं मेन बॉक्स कंटेंट के अंदर हमें क्या मिलता है। दोस्तों यहाँ पर हमें बहुत ही बुरी क्वालिटी का बॉक्स मिलता है, शायद इसके ऊपर कोई बैठ गया होगा। तो इसको हम देखते हैं इसके अंदर भी जो प्रोडक्ट है वो हमारा बिल्कुल सेफ है या वो टूट चुका है। तो यहाँ पे आप बॉक्स के पीछे इसके जो कुछ स्पेसिफिकेशन है वो यहाँ पे पोस्ट करके देख सकते हैं। दोस्तों साथ में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ, यहाँ पे एक आप बारकोड देख रहे हो। आप इस बॉक्स को ओपन करने से पहले इसको इसके ऑफिशियल जो वेबसाइट होती है उस पर स्कैन कर लीजिएगा ताकि आपको पता लग जाए कि जो आपका प्रोडक्ट है वो ओरिजिनल है या फेक है। तो इसको करते हैं हम ओपन और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें मिलता है एक कैरी बैग और साथ में देखते हैं हम इसके अंदर क्या मिलता है। शायद इसके अंदर और कुछ नहीं है, नहीं, एक वारंटी कार्ड यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाता है। और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या मिलता है। और यहाँ पे बॉक्स के अंदर कुछ चिपका हुआ सा दिख रहा है तो उसको निकाल के देखते हैं। यहाँ पे एक यूज़र मैनुअल मिल जाता है जो कि बोया का है कि हम इस माइक को किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम इसको रोकते हैं साइड में। तो दोस्तों यहाँ पे हमें जो सबसे पहले एक बोया का शायद वारंटी कार्ड मिल जाता है, ये शायद 6 मंथ का वारंटी कार्ड है, इस पर कुछ मेंशन नहीं है। यहाँ पे जो भी है वो चाइनीज़ में लिखा है, अगर आप चाहो तो पोज करके पढ़ सकते हो। तो इसको रखते हैं हम साइड में, ये हमारा कोई काम का नहीं है। तो चलते हैं हमारे जो मेन बॉक्स कंटेंट की ओर। यहाँ पे हमें एक बहुत ही सॉफ्ट सा बोया का, यहाँ पे बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का केस मिल जाता है जिसमें हम अपने माइक को कैरी कर सकते हैं। और यहाँ हमें माइक के कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो चलिए इसको ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर वो क्या कुछ आता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें मिल जाता है एक जैक जिसके द्वारा इस माइक को हम अपने DSLR में भी माउंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा हमें मिल जाती है एक क्लिप जिसके द्वारा इसे आप अपनी कॉलर पे लगा सकते हैं। और यहाँ पे एक बैटरी मिल जाती है, अगर चाहो तो आप इसको इनपुट करके अपने बोया M1 माइक में इसको आप कैमरे में यूज़ कर सकते हैं। जब आप कैमरे में इसे यूज़ करते हो तो उस टाइम आपको ये बैटरी लगाना ज़रूरी होता है। और यहाँ पर एक फॉर्म मिल जाता है माइक का। तो दोस्तों मोस्टली लोगों को यह पता होगा कि इस फॉर्म के द्वारा आप अपनी वॉइस को फिल्टर कर सकते हैं, यानी कि आवाज़ नहीं आएगी। तो दोस्तों यहाँ पे लास्ट में मिल जाता है हमें हमारा मेन माइक्रोफोन और साथ में एक पता नहीं ये क्या मिलता है पाउच में, शायद इसको ये इसलिए होगा ताकि ये प्रोडक्ट है वो ख़राब ना हो। तो दोस्तों फाइनली ये है हमारा जो मेन माइक्रोफोन। अगर हम इसके वायर की क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी इसकी वायर की क्वालिटी है और साथ में बहुत ही ज़्यादा लंबी इसकी वायर है। तो दोस्तों इसकी वायर की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा औसम है, बट आप भी फिर भी इसको केयरफुली यूज़ कीजिएगा क्योंकि इसकी वायर कहीं भी कट सकती है अगर आप इसको केयरफुली यूज़ नहीं करेंगे तो। तो दोस्तों बड़ी ही मुश्किल से मैंने पैसे वगैरह बचा कर यहाँ पर इस माइक को मंगवाया है। तो आप अपनी तरफ से हमें फुल सपोर्ट कीजिएगा और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, पहला ऑप्शन है कैमरे का और दूसरा ऑप्शन है मोबाइल का। अगर आप चाहो तो इसे मोबाइल के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, चाहो तो कैमरे के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप इसको कैमरे के साथ कनेक्ट करना चाहते हो तो आपको इसको ओपन करके और यहाँ पर एक जो इसके बैटरी है वो इंस्टॉल करना होगा एंड देन आप इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं।
तो अब आती है इसकी वॉइस क्वालिटी की बात। तो दोस्तों जो ये आप वॉइस सुन रहे हैं वो इसी माइक से रिकॉर्ड हो रहा है। यह वीडियो बनाने के बाद इसको वॉइस ओवर किया है, तो आप यहाँ पे सुन सकते हैं कितनी क्रिस्टल एंड क्लियर इसकी वॉइस क्वालिटी आ रही है। और इस क्लिप को हम यहाँ पे लगा लेते हैं माइक्रोफोन पे। और साथ में दोस्तों मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ, आपको अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे बहुत सारे 200-300 रुपए के माइक देखने के लिए मिल जाएंगे, बट पर्सनली अगर मैं आपको रिकमेंडेड करूँ तो आप वो बिल्कुल भी परचेज़ मत करना, क्योंकि उनकी जो वॉइस क्वालिटी होती है उससे अच्छी तो हमारी जो ईयरफोन की वॉइस क्वालिटी है वो होती है। तो उनके ऊपर पैसे मत लगाना। अगर आपको माइक्रोफोन ख़रीदना ही है, आप बिगनर हो, तो आप बोया का ही खरीदें, क्योंकि अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे भी इसको यूज़ करोगे तो ये प्रोफेशनल लेवल के लिए भी काम आएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये था एक बोया M1 माइक की अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों अब से रेगुलर जो वीडियो है वो आया करेगी, क्योंकि मेरे पास माइक नहीं था। मैं कभी किसका माइक मांगता था तो कभी किसका मांगता था, तो बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम मेरे को फेस करनी पड़ रही थी। तो फाइनली हमने परचेज़ कर लिया है माइक, तो अब से जो है रेगुलर वीडियो आया करेगी। तो अभी से आप सपोर्ट कीजिएगा तो, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।